मल्टी कई बेस्ट इन शोज विनर है, डॉग कभी सेकंड बेस्ट इन शो है, ओके वर्ड है, फेमस चैनल है हस्की की वर्ल्ड में जिसका नाम है क्रिस कारी चैनल। हे यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। सो आज का जो ब्लॉग ने बनाया आप लोग समझो कि टाइटल होता मैंने कि किसके ऊपर होने वाला है। और तुम्हारा भाई आया मकड़ के अंदर हमारे साथ। हेलो वेलकम। तो और भैया आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो सर आप स्पेशल भैया हमें बता दीजिए कि किसके ऊपर ब्रीडिंग करते हैं? वैसे मेरे को ब्रीडिंग करते इस टाइम 7 से 8 साल हो चुके हैं और वैसे मेरे पास 20-25 अप्रॉक्स डॉग्स हैं, बट मेरी जो बेसिक लाइफ है वो साइबेरियन हस्की को। साइबेरियन हस्की? तो भाई साइबेरियन हस्की के बारे में भी हम बात करेंगे। और थोड़ा सा भैया इसके बारे में बताओ, ट्रॉफीज इतनी सारी आप गाइस देख सकते हैं, कितनी सारी ट्रॉफीज हैं। मैं अभी कैमरा पकड़ कर तो सर से भैया से पूछते हैं कि क्या क्या है ट्रॉफीज, क्या क्या मतलब कितने डॉग से को मिली इनमें से? अब मल्टी कई बेस्ट इन शोज विनर है, डॉग कभी सेकंड बेस्ट इन शो है, ओके वर्ड है, कोई बेस्ट ब्रीड इन इंडिया है, इसके अंदर कई मल्टी बेस्ट ऑफ ब्रीड्स हैं, बेस्ट पपी इन शोज हैं। ओके तो भाई ये सारी ट्रॉफीज आप देख सकते हैं। तो सर ये बताइए कि किसको मिली होगी आपके स्टार को? ये स्टार किसी डॉबरमैन को मिली है, किसी में हस्की को मिली है, ओके किसी गोल्डन रिट्रीवर को मिली है। सो ये सारी डॉग्स का हार्ड वर्क है हमारे टीम के साथ साथ। ओके ये सारा भैया का ऑफिस आ गया तो आप देख सकते हैं। तो इधर देखिए पिक्चर देखिए गाइस, कितनी क्यूट क्यूट सी अच्छी अच्छी पिक्चर है एकदम। तो भैया भी देख सकते हैं, ये सारा ऑफिस है भैया का। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये वन ऑफ द एक फेमस चैनल है हस्की की वर्ल्ड में जिसका नाम है क्रिस कारी चैनल। ये डॉग उस चैनल के आप ब्लड कैरी करता है और इसकी वैसे नेम है जोरो, जोरो जॉर्ड किंगडम। और ये इस टाइम पे 2.5 से 3 साल का एक एडल्ट है डॉग प्रॉपर। सो भैया आप बता रहे थे कि शो कौन कौन से चैनल? ये जब ये पपी था उस दौरान ये मल्टी कम से कम मेरे आइडिया से कि 7-8-10 शो आराम से बेस्ट पपी शो लगता रहा है कॉन्स्टेंटली जब हमने इसको पपी में शो किया था। उसके बाद फिर ड्यू टू कोविड 2 साल से डॉग शोज नहीं हो रहे थे, इस साल से शो होंगे, इस साल से थोड़ा प्रॉपर डॉग शो शुरू हुए हैं। मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर इसको थोड़ा सा और कंडीशन में ला के डॉग शो। और एज कितनी है इसकी? ए भैया इस टाइम पे 3 साल के अप्रॉक्स हो गए। इसके अभी मेरे पास लास्ट लेटर हुआ था तो उसके अंदर से मैंने 2 मेल्स अपने लिए रिजर्व रखे थे, तो अगर वो किसी बहुत अच्छे शो घर को चाहिए होंगे तो हम जरूर ऑफर करेंगे। बिल्कुल शाम। तो भैया आपका थोड़ा सा मैं पूछूँ तो पपीज का क्या प्राइस रहता होगी आपकी? भैया मेरे पास पपीज का प्राइस होता है जी 50,000। हस्की विद केसी रजिस्टर्ड डॉग है।
मेरा खुद भी कैनल भी मुकट कैनल के नाम से केस में रजिस्टर्ड है जो ऑल ओवर इंडिया में एफ स्टेट का है। तो भी इसका एक बार टैग लगा कर सो गाइज दिस इज़ द प्रॉपर स्टैक जो डॉग शो में देखा जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो भैया है ना उसको प्रॉपर अपनी तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भैया के हाथ में आप देख सकते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, और प्रॉपर वो खड़ भी रहा है अच्छे से, क्योंकि डॉग शो में ऐसी चीज़ें देखी जाती है कि तो भैया ना मेरी ऑडियंस में से किसी ने पप लेना हो तो जरूर जी जरूर आपका रेफरेंस आपका नेम के आपके चैनल के थ्रू आएंगे तो भैया अपना नंबर दे दीजिए 9988577 4। सो गाइस ना नेक्स्ट टाइम भैया की और ब्रीड हम कवर करेंगे तो भैया इससे फिर से हम मिलेंगे, तो जब मैं लुधियाना आया तो लुधियाना फिर से भैया की कैनल शो करेंगे और भैया के और डॉग्स कवर करेंगे।